A car moving at 40 km per hour is stopped by applying brakes in the next 4 meters. 4 meter lage car ko rukne mein. The car weighs 2000 kg. What average force must be applied on it? तो कार की इनिशियल स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आर. हमें इसको चेंज कर लेना चाहिए 5/18 लगा के इनटू मीटर पर सेकंड. 220 सर 29 सर दैट इज 100/9 मीटर पर सेकंड. इट इज स्टॉप बाय अप्लाइंग ब्रेक्स इन द नेक्स्ट 4 मीटर्स. तो जैसे ही इसमें ब्रेक लगा तो कुछ एक्सेलरेशन हुआ होगा, रिटार्डेशन जिसको कहते हैं हम, और एक्सेलरेशन हमें निकालना पड़ेगा अगर गाड़ी 4 मीटर में रुक जाती है. उसकी स्पीड 100/9 टू 0 पहुंच जाती है फाइनल स्पीड. तो ये निकाल लेंगे तो फिर हम फोर्स लगा पाएंगे रेजिस्टिव फोर्स M2A से. ऑलरेडी हमें मास दे रखा है 2000 kg. हमारा अभी भी उद्देश्य सिर्फ ए निकालने का है. तो जब भी इतने डिस्टेंस या इतने डिस्प्लेसमेंट में गाड़ी की ये स्पीड से वो स्पीड हो जाए तो हमेशा v² = u² + 2as का फॉर्मूला लगाना चाहिए. ठीक है, सो दिस इज यू 0² और ये कहता था 100/9 ना. तो हाँ 100/9 तो जाएगा 100 दो बार आ जाएगा और ये 81 प्लस 2 इंटू ए इंटू एस कितना था 4 मीटर्स. ठीक है, तो इसमें हम यहाँ ले आते हैं माइनस का 10,000 अपॉन 81 डिवाइड बाय 8. ये हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा कितना आ रहा है 8 1 8 2 16 50. तो 1250 आ गया माइनस का 1250 अपॉन 81 27. ठीक है, ऐसा करते हैं इसको यहाँ रख देते हैं सीधे ए को, अननेसेसरी क्यों सॉल्व करें. नेगेटिव इंटू 1250 अपॉन 81. इसको 2 मिनट के लिए 80 मतलब इसको अप्रॉक्सीमेटली 80 मान लो. अगर मैं 80 मान के सॉल्व करता हूँ तो 825 जा 125 इंटू 25 कितना होता है 125 इंटू 25 10 इंटू 12 625 इंटू 50 5211 3125 125 125 माइनस और जीरो और लगा दो. दैट इज़ अ न्यूटन में फोर्स अप्लाइड बाय द ब्रेक्स जिससे गाड़ी रुकी.